देता हूँ, एक स्टार फिल्म को देता हूँ, टू स्टार। एक फिल्म क्रिएटर ही जानता है कि 5 स्टार रेटिंग कैसे लेनी होती है, इसलिए जब वो खुद मूवी बनाता है तो उसको मिलते हैं 1.5, वो भी आउट ऑफ 10। देश के ऊपर एक ऐसी अमेजिंग मूवी जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, जिसके प्रीमियर पे लोग खुशियां मना रहे थे। सर, इस मूवी में क्या खास है? हमने बड़ी मेहनत की है, लेकिन नहीं चाहते कि फिल्म रिलीज, क्योंकि कोई ऐसे सजा तो कोई देशद्रोही ही बना सकता है। एक्शन थ्रिलर, भाई साहब तो जैसे एवेंजर्स ही बना दिए। इस मास्टरपीस में आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे डायलॉग भूलना, अंधाधुन एक्शन, और जो पैसेंजर है वही बाद में बस चला रहा होता है। जैसे यहाँ पे GTA चल रहा है ना, स्टार्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने वाले, और साथ में पिछवाड़ा, नाइस ना। इन्होंने एक हिट मूवी बनाने के लिए सब कुछ किया, जैसे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, और ये पता नहीं क्या है, क्योंकि जब बजट कम हो तो मल्टी टैलेंट का ढोंग करना पड़ता है। तो इसमें KRK कर रहे हैं रोल एक रिएक्शन चैनल की। अरे यार, बहुत तेरी, अरे यार, बहुत तेरी। और इसमें इनका नाम है राजा। राजा नाम है, अच्छा नाम है, राजा नाम है तो दिल का भी राजा ही हो। छोटू, छोटू नाम है, अच्छा नाम है, छोटू नाम है तो दिल का भी छोटा ही होगा, चल निकल। इसमें दिल कहाँ आ गया? सोचती थी बिल्कुल तुमने वैसा ही अपना जीवन साथी चुना है। इसकी मम्मी को इससे कोई उम्मीद ही नहीं थी, चुना भी कौन ये एलियन, और कहता है कि अनु मल्लिक की मूवी रिपीट पे देखता है। मुंबई आने के बाद मुंबई है मेरे भाई, मुंबई है भाई। तुम पिक्चर बना रहे थे या मुंबई का विकिपीडिया? और इनके डायलॉग भी गाने की तरह, वो इखाने लास्ट फोर्ट में शमशान मारती है और बॉडी जाके शमशान में गिरती है। 100% ओरिजिनल। तो मूवी स्टार्ट होते ही टट्टी करने जा रहा राजा हकते हकते मुंबई पहुंच जाता है, और मुंबई पहुंचते ही थरकी गिरी शुरू। एक सेकंड, ये सीधा सपने में सारा डेजर्ट पहुंच गए? ये समझने लायक तो IQ दिया ही नहीं भगवान ने। और गाने में इनका कंट्रीब्यूशन है सिर्फ चलना। सर, आधा गाना निकल गया है, कुछ तो कर लीजिए। अरे सर, आप तो तूफान ही ले आए। अरे अरे नहीं सर, KID का जज ही ना बनाते आपको, आप अपनी वॉक ही चालू रखो। अब कॉन्सिपेटिंग राजा अपने दोस्त को ढूंढता है। भुवनेश्वरी की बस मिलेगी, उसमें बैठ जाओ, पहुंचा देगी। पर फिर वो लगाता है अल्टीमेट खोज स्ट्रेटेजी। शेखर को नहीं जानता, कमाल है। अरे भाई साहब, आप शेखर को जानते हैं? आंटी, आपने अमन को देखा क्या? मैं आंटी किसको बोला बे? चल निकल। कमाल है। रियल लाइफ के तहत इनको इसमें भी नहीं पता कि इन्हें करना क्या है। आपस में लड़ने लगे तो फिर देश का क्या होगा? उससे ज्यादा प्यार तुम्हारे लिए हमारे सीने में है। मैं मुंबई में किसी का खून करने के लिए नहीं आया था। मैं वॉचमैन का काम नहीं करूंगा। शेखर ने मेहनत करके कॉलेज तक की पढ़ाई वॉचमैन बनने के लिए की। हाँ, तो कॉलेज तक पढ़ाई इन्होंने इसलिए की थी ताकि ठेले पे सब्जियां बेच सके। इस दुकान पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि लॉजिक तो उन्होंने घर पे छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि हीरो तो न्यूटन को सुपारी दे के ग्रेविटी रुकवा सकता है। वैसे मूवी रक्षा बंधन पे बेस्ड है, बट विदाउट बहने। ये भी भैया, वो भी भैया, मैं भी भैया हूँ। सरकार को BST का नाम बदलकर भैया ट्रांसपोर्ट रख देना चाहिए। ए, भाई बनने का शौक तो इतना सलमान खान को भी नहीं है। फिर राजा अपने पसीने की बदबू सहन करके बन जाता है चक्री, और तोड़ देता है उनके बम, क्योंकि हीरो कितना भी बड़ा चोमू हो, कुंफू कराटे तो उसको आते ही है। बॉलीवुड का बस चले ना तो खली को राजपाल यादव से पिटवा दे। पर पिक्चर के मजे तो जब आए जब वो खत्म ही हो गई। क्या द बिगनिंग? ये क्या तुम्हारी कहानी का कोई ट्विस्ट है कि हम एंड को बिगनिंग लिख देंगे, वो भी गलत कंफ्यूज्ड। सगंजा मेरे को प्यारा, जरा सगंजा मेरे को।